हे गाइस वेलकम टू माय चैनल एबीरोक्स इम्डन यू ए एफ सैम्पियंस लीग का मैच हो रहा है फ्रैंकफर्ट फ्रेंकफर्ट नेपोली के बीच दो घंटे छियालीस मिनट के बाद डेढ़ बजे तो बात करें यह मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करिए क्लिक एंड ज्वाइन हो और गाइज हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं करें वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है बढ़ते हैं आगे तो बात करें इस मैच की फ्रैंकफर्ट और नेपोली अपने अपने में दोनों बाप टीमें हैं फ्रैंकफर्ट भी टीम सबसे मतलब मैं बुरा नहीं कह सकता फ्रैंकफर्ट टीम भी बहुत ही ज़्यादा मतलब किंग टाइप गेम खेलती है अपना बंडर्स लीगा लीग में और नेपोली टीम भी सीरिए में किसी को नहीं बख्शती तो दोनों टॉप फाइव टीम्स हैं और दूसरी बात दोनों अपनी ज़बरदस्त फॉर्म में है तो किसी एक को फेवर करना यहाँ पर बहुत रिस्की हो सकता है इसलिए डबल साइड टीम के साथ जाना कि अगर दोनों तरफा गोल हो तो अब हारो ना और दोनों तरफ होने भी चाहिए सबसे पहले बात करें स्ट्राइकिंग की आर कोलो मुआनी मैं कहता हूँ पूरा मतलब आप खंगाल लो आप फ्रैंकफर्ट की पूरी की पूरी जो भी इनके आज से वो प्लेयर खेले हैं ना एक दो साल पहले भी मैक्सिमम गोल अगर किसी ने अगर करने हैं अपकमिंग दो साल में तो वो आर कोलो मुआनी होगा इस टीम में अगर ये रहेगा इस टीम में रहेगा अगर रेगुलर तो क्योंकि आर कोलो मुआनी जैसा प्लेयर नहीं है आपको लग रहा होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ लास्ट के तीन मैच में तो फ्लॉप हुआ था वो अक्टूबर के मैच हैं वो छोड़ दो मैं बात कर रहा हूँ करंट फॉर्म की करंट फॉर्म देखी जाती है क्या किस किस मतलब कैसा खेल रहा है वो एंड विक्टर ओसिमन की बात करें दैन यहाँ पर देन विक्टर ओसिमन और कविचा को लेना बहुत ज़रूरी है सबसे बेस्ट चेंज जो नेपोली के लिए निकला है वो है ये वाला प्लेयर क्योंकि मैंने इतना बेस्ट प्लेयर कभी नहीं देखा एक होता है ना डेब्यू डेब्यू कहा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे डेब्यू देना बड़े मतलब पहला मैच खेलना तो लाइक like, इसने काफ़ी मैचेस इस पहले भी खेले लेकिन जब इसका डेब्यू था नेपोली के लिए फ़र्स्ट मैच जब इसने खेलना था नेपोली के लिए तो इस बंदे ने पहले मैच में दो गोल किए थे मतलब एक एक ही गो एक गोल शायद या एक असिस्ट की थी और उस वक्त कई लोगों का कैप्टन था मतलब इतना भरोसेमंद प्लेयर है ये अकेला प्लेयर जी सिम वन रेस्पेडोरी की जरूरत जरूरत भी ना शायद ना पड़े पड़ेगी तो देखेंगे और एल एल एलोरियो जो टीम में हुआ करता था पहले दूसरी अब वो आ चुका है फ्रैंकफर्ट में और आर सेंटोस बोर अगर खेलता है और गोल करता है तो आपको लॉस तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से तो आर सेंटोस बोर को कोई नहीं लेगा अगर कोई लेगा तो फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की बंदा है एंड बात करें डी कमाडा की डी कमाडा की बात आपका देखो डी कमाडा को तो आप लोगे क्योंकि यू नो ऑल अबाउट हिम क्योंकि वो कैसा है लेकिन गॉड से हो गया इन पे मत वेस्ट करो अपने मतलब अपना एक एक प्लेयर क्योंकि अगर आपने किसी को लेने के सोचा है मैं आपको एक अच्छी राय देता हूँ सुनो पहले तो आपने सेम्बू है इसको भी मैं नहीं लेता प्योटर से इसकी शायद खेलेगा नहीं पता नहीं मुझे इसके बारे में प्योटर का भी श्योर नहीं है क्योंकि प्योटर बहुत टाइम से खेल ले रहा बट अभी शायद इधर खेल जाए तो आप ले भी सकते हो हाँ अब आपके पास बचता है अनदर ऑप्शन वो है एलमस एलमस को भी आपने लेना है अगर एलमस खेलेगा नहीं खेलेगा तो बदल लेना कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई लेना ही लेना या इसके बदला कुछ और लेना ऐसा कुछ नहीं अगर नहीं लेना तो इसकी जगह डिफेंडिंग के साथ भी जा सकते हो अब बचता है आपके पास सिंगल चॉइस तो मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ देखो फर्स्ट ऑफ़ ऑल या तो आप किसी डिफेंडर के साथ जाओ और डिफेंडिंग जैसे एट यही आएंगे एलमी अल, टोर वगैरह और कौन आएगा ठीक है बाकी इफ़ यू वांट टू टेक रिस्क देन यू हैव टू गो विद जे इंड क्योंकि ये सिस्टम में माना जाता है ठीक है और या नोफ़ या नोफ के साथ बस और कोई ऑप्शन ही नहीं है मैं पूरा खंगाल चुका हूँ क्योंकि ये भी हो गया डी ये भी आउट ऑफ फॉर्म ही है तो इन फॉर्म प्लेयर्स चाहिए हमें आगे से बात करें जी डी को लूँगा जी डी लोरेंसों के बाद ए रहमानी एम रुई ठीक है आ, पिछले मैच में केमिन जय ने शायद नहीं खेला था मुझे याद नहीं है क्योंकि एम एमोलीवेरिया खेला था उसने असिस्ट की थी और इसकी सिलेक्शन उन्नीस प्रतिशत थी मेरी टीम में था मैं जीत गया था इस प्लेयर इस खिलाड़ी के कारण मुझे याद है तो शायद ये वही वही प्लेयर है तो एम एमोलेवेरिया अगर खेलता है धन आप ले सकते हैं ठीक है लेना कोई बुरा नहीं है मतलब टैकल इंस्क्रिप्शन में बड़ा जोर है इस आदमी का और फोर्थ डिफेंडिंग भी करता है अगर इन तीनों में से कोई नहीं भी खेलता और अगर केमिन जय खेलता है तो तो भगवान भरोसे छोड़ दो क्योंकि उसको नहीं ले सकते हैं ना आगे से अगर बात करें ट्रैप की देन के ट्रैप को लेंगे कैविन ट्रैप पता नहीं आज ना ट्रैप बने जस्ट ऐसी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को आज गोल्स की जरूरत है बात करें कैप्टन की तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैप्टन वॉज विक्टर ऑसिमन वाइस कैप्टन वॉज कविचा और आपको बता दूं अपना कैप्टन वाइस कैप्टन वाइस कैप्टन या कैप्टन कॉम्बिनेशन देकर ग्रैंड लीग के अंदर या बैकअप टीम के अंदर आर कोलू मोहानी को अपनी एक से दो जी एल टीम्स के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो कॉम्बिनेशन में लाइक कभी ये कैप्टन तो कभी इसको वाइस कैप्टन रख दिया कॉम्बिनेशन जरूर लेना क्योंकि मेरे को सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो इस मैच में लग रहा है वो लग रहा है इन दोनों का ठीक है पहले तो एक मुझे लग रहा है आर कोलू मोहानी और आर कोलू मोहानी के साथ वीचा का मतलब यहाँ पर छः कॉम्बिनेशन हो गए टोटल अगर आप रिवर्स भी करते हो तो भाई जिसमें जी एल आ सकती है आपकी और एलमस के गोल चांसेस हैं डी कमाड़ा के हैं प्योटर के बिल्कुल भी नहीं है ड्रॉप आउट करके किसी और को लेना चाहो ले सकते हो जेल इन स्ट्रॉम केसेस चांसेज हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय